निकल जाएगा, सरकार हमसे छीन लेगी। अरे आप टेंशन मत लीजिए। अरे अखबार में एक बार नाम छप गया तो क्या हुआ, इससे पहले भी तो छपा था ना, कुछ हुआ तो नहीं ना? हा? अरे सुधाकर उस न्यूज को ठीक से पढ़ो। अरे वो टीचर आने वाला है। क्या टीचर? टीचर टीचर पढ़ो ठीक से। टीचर अब तो लगता है कि सारे प्लांट पर पानी फिरने वाला है। मुझे तो लगता है ये रिपोर्ट जोसेफ थॉमस की वजह से दिया गया होगा। अरे इस तरह से चाय पी के टाइम पास मत करो, कोई रास्ता निकालो। रास्ता मैं बताता हूँ, आगे से इस तरह के डील की बातों को लेकर इस बदनामन की धरती पे कदम मत रखना। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? इनलीगल महल का नाम लेकर इस बदनामन की धरती पर कदम मत रखना। ये बोलने वाला तू कौन होता है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे तुम्हें जो खाना है खा लेना, चलो निकलो यहाँ से। अरे इस महल के पीछे हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, पैसे को लेकर ही हम वापस लौटेंगे। कोई भी आया तो मैं उसकी लाश देख लूंगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आपको अभी बताता हूँ, इसको छोड़ो मुझे। आप चलिए यहाँ से। हाजी भाई, अगर वो कोलापल्ली है तो मैं भी बाबू कोटी हूँ, बाबू कोटी हाजी। चाहे वो इस एरिया का किंग हो चाहे कुछ हो, मैं इस पूरी दुनिया का राजा हूँ। अरे गुरुजी प्लीज जरा मेरी बात सुनिए। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी बाबू कोटी बोलेगा तुमको सिर्फ सुनना है। अरे आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास एक दो आदमी ही है, इतनी आसानी से हम उन्हें रास्ते से हटा नहीं सकते। सिर्फ पैसा ही उसका सपोर्ट नहीं है, उसके भाई का नाम उठाने वाले कुछ कामगार लोग भी हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं? हाजी भाई प्लीज, इनकी बातों में कुछ मतलब है। तुम लोग मेरा दिमाग मत खाओ, तुम लोग। अरे हाजी भाई पहले मेरी बात सुनो, इस महल के काम में टांग अड़ाने वाला जोसेफ थॉमस है, इसलिए उसके साथ डील करने के काम में ये कोलापल्ली साथ नहीं देता है। इसका मतलब मैंने जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उसको भूल जाऊं और ये लोग मजा मारे। अरे वैसे यहाँ किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। जोसेफ थॉमस की दुश्मनी मोड़नी है तो इस भाई साहब को बीच में रखना होगा। अगर मुझे यहाँ दबा के बारे में बोलेंगे तो आगे मुझे बात समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ आपके और हमारे बीच में एक सीक्रेट प्लान बनाना होगा, तो हमारा काम अपने आप ही हो जाएगा। वैसे तुमने क्या सोच रखा है? अरे कई सालों से यहाँ अपना कदम रखकर राय बनाने की सोच रहा है ना, उसी आदमी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, आप समझ गए ना? अरे तुम लोग इस तरह की बात मत करो, मामले को साफ साफ बताओ। अरे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो? आइए आइए हाजी भाई, नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे मातरन, उस कोलापल्ली की परेशानी ज्यादा ही बढ़ रही है। सच कहूँ तो आपस में लड़के हम थक चुके हैं, अगर हम कोलापल्ली के खिलाफ किसे उतारे मिलकर सोचे तो। अरे तुम लोग चुप रहो, जब देखो कोलापल्ली कोलापल्ली। अरे हाजी भाई ऐसा नहीं है, वो मातरम ने जो कहा वो ठीक ही कहा है, हर बार उस कोलापल्ली के खिलाफ जाकर हार जाते हैं। मैं अपने बच्चों का दर्द महसूस कर सकता हूँ, उस कोलापल्ली के सामने जाकर उसे हराना बहुत मुश्किल है, इसके लिए मैंने दूसरी सेटिंग की है। आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? हमारी प्रॉब्लम जोसेफ थॉमस है और तुम्हारी परेशानी कोलापल्ली है। लेकिन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, पुरानी दुश्मनी को लेकर बस आपस में ये लोग बात नहीं करते हैं। ये जोसेफ के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए ये कोलापल्ली मानेगा नहीं। मुर्गन मुझे बचाओ। एमएलए सर, ये अगर एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो? समझ में नहीं आ रहा है ना? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, मेरा मतलब उस जोसेफ थॉमस ने कोलापल्ली का अगर खून कर दिया तो? भरोसा नहीं हो रहा है ना?
क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ, जो कल तक कोलापल्ली के घर में हिफाजत करे थे MLA MP, वो आज कहाँ खड़े हैं? अगर ये देखा जाए तो काफी है। अरे आप क्या बोल रहे हो? हाँ बताओ बताओ, आप बताओ। इधर आओ हाजी भाई, मेरी बात सुनिए हाजी भाई। सिर्फ महल के बारे में चर्चा करने के लिए जोसेफ और कोलापल्ली फेस टू फेस एक दूसरे से मिलेंगे तो काफी है, बाकी का काम ये मारतंड देख लेगा। हाँ तो उसे बुला लूं क्या? उसे बुलाओ। आ जाओ भाई आ जाओ। बोलिए भाई। तुम अंदर आओ। हाँ तुम यहां किस लिए आए हो? थक गया हूं, न चाहते हुए भी कुछ चीजों को मजबूर होकर भी छोड़ नहीं पा रहा हूं। तुमने सामने से मिलने की ख्वाहिश रखी थी तभी मैंने सोचा था। जरा सोच लो, अगर महल के बारे में चर्चा करना चाहते हो तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, हम अपना रास्ता खुद देख लेंगे। जोसेफ वो क्या है? नो no! एक दोस्त को जान से मार दिया, कोई भी झूठा सपना देखने को कह दो उन्हें। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। इस गांव की कल्चर को, इस हवाले के पैसों को डुबोने के लिए जो भेड़िए इस समय घूम रहे हैं, उन भेड़ियों के बीच में मैं तड़प रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ, किसी को कुछ भी कहने दो, लेकिन बाबा जी की मौत के पीछे जिन लोगों का हाथ है, इस सच को ये जोसेफ अच्छी तरह से जानता है। अरे जरा मेरी बात तो सुनो जोसेफ। जोसेफ क्या टाइमिंग है, 20 मिनट भी नहीं हुए, करुणा ग्रुप्स ऑफ कंपनी के जोसेफ थॉमस के खून करने वाले को केरला पुलिस के तहकीकात करने की नौबत आ गई है ना। अरे देखो सर, मैंने फोन पर आपको अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है। अरे आप डरो मत सर, देखो ये सबूत मुझे दे दो सर। अरे उठाओ इन्हें ले जाओ। खून किया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनको मीटिंग के लिए नहीं भेजती थी। मुझे क्या पता था कि वो लोग इस तरीके से उन्हें मार देंगे। ये सब मेरी ही गलती है। सिर्फ महल की ही जायदाद नहीं, दूसरी जो जायदाद है वो भी हम उन्हें दे देते, लेकिन इसके बदले वो लोग मेरे पापा को लौटा सकते हैं क्या? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, कोलापल्ली भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये वासु गारंटी के साथ बोल सकता है, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह। तुम नहीं जानते हो, वो और भी खून करेगा। साजिश करना, खून करना, ये कोलापल्ली के खून में दौड़ रहा है। वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम चुप रहो, कुछ मत कहो। बचपन से तुम मुझसे एक सवाल करते आ रहे थे, तुम्हारे माँ बाप फांसी पर क्यों लटक गए थे?
तुम्हारे माँ बाप क्यों फांसी पर लटक गए ये तुम्हें जानना है ना? कामगारों के यूनियन को बचाने के लिए, उनके बीच एकता को बरकरार रखने के लिए चार लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। तुम्हारा बाप करुणा, हमसा और गोविंद, और साथ मेरा जोसेफ, इन सबको रास्ता दिखाने वाला करुणा ही था। वो केवल मालिक ही नहीं, सभी मजदूरों से भी अच्छा बर्ताव करता था। इस कामकाज को शुरू करने के लिए जोसेफ और करुणा मिलकर छोटा मोटा धंधा